16 रमजान है, हम लोग चाइना में खड़े हैं, डिस्चार्जिंग चल रही है एंड चीफ ऑफिसर इज बिजी इन हिज कार्गो वर्क। तो सहरी का वक्त हो गया, फिर भी मैं बस उठा हूँ सहरी करने जा रहा हूँ। ये आ गया जी चीफ साहब को कार्गो कंट्रोल रूम। ओह मस्टैश इज गॉन, व्हाट हैपेंड टू योर मस्टैश? लॉयड मिल तो चुके होंगे पहले लॉयड से। जहाज पे काम चलता रहता है, हम लोगों के लिए काम रुकता नहीं है, हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, काम भी साथ साथ, रमजान भी साथ साथ। दिस इज द ऑफिसर मेस रूम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग दोनों करके चले गए टीएन और फरुख मियां, नाश्ता कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं साथ, कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं साथ, सहरी कर रहे हैं। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि यार हमारा काम नहीं रुकता, काम हमारा हर वक्त चलता रहता है, घड़ी तो दिखाएं, हमें अपनी रूटीन एडजस्ट करनी पड़ती है। फरुख मियां ने कहा कि मैं आपको घड़ी दिखा दूँ, तो यू कैन सी इट इज 2:45। खाकीना, थोड़ा सा खाकीना लिया जाए। Good morning, Edwin. How are you? Messman Edwin. He is making sari for us. Parathe, very good. Basically, हमारी रमजान की रूटीन यही है। वालेकुम अस्सलाम। काम चलते रहते हैं, हमें उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। लेकिन ये है कि जो मर्जी हो जाए माहौल अपना पाकिस्तानी रखा हुआ है। सुबह सहरी के टाइम पे पराठे भी चाहिए दोस्तों, खाकीना भी चाहिए, सालन भी चाहिए, जूस भी चाहिए, दही भी चाहिए, और क्या, दूध भी चाहिए, और क्या चाहिए, चाय भी चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा। लेकिन ये कि घर को हम मिस करते हैं यार, क्योंकि घर में जो माहौल होता है ना रमज़ान का वो और होता है, घर का माहौल बहुत और है यार। बच्चों के साथ आप सहरी करें, वालदा के साथ सहरी करें, जहाँ पे बस ऐसे ही देखो फरुख ने जल्दी जल्दी किया सहरी भाग गया। लस्सी अलबत्ता ख़त्म हो गई है, लस्सी पीने में मुझे बड़ा मज़ा आता था सहरी में। और थैंक यू, यू कैन पुट माई टी हियर, थैंक यू वेरी मच। गर्मा गर्म चाय, हॉट कप ऑफ टी। टाइम रहेगा थोड़ा कमरे में जाना है, सुट्टा भी लगाना है क्योंकि मैं सिगरेट पीता हूँ। सुट्टे के नुकसान, आपके पास 5 मिनट होते हैं लेकिन आप कहते हैं बस मैं जल्दी जल्दी पी लूँ चाय के साथ, तो बस चाय पी के रोज़ा बंद करके नमाज पढ़कर मैं फौरन बैठ जाऊँगा, ताकि जैसे ही कार्गो पे ख़त्म होगा तो ड्यूटी ऑफिसर मुझे कॉल देगा, पेपर वर्क होता है बहुत सारा करना होता है। और ये आ गया मेरा कमरा, और ये देखें जी हमने बड़ा रोमांटिक किस्म का माहौल पैदा किया हुआ कमरे के अंदर। बस सर जी जहाज़ की तो यही ज़िंदगी है, जहाज़ के काम जिस पे कभी भी ईद हो, बकरा ईद हो, हफ्ता हो, इतवार हो, पीर हो, मंगल हो, बुध, डजंट मैटर, यू आर ऑलवेज़ वर्किंग। घर में तो होता है ना जी आज हफ्ते की छुट्टी है, आज इतवार की छुट्टी है, आज जुमे को आधा दिन है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई हाफ डे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई रमज़ान का चक्कर नहीं, कोई रमज़ान के लिए टाइमिंग में रिलैक्सेशन नहीं, आपने काम करना है लगातार। आप भी सोच रहे होंगे मौलवियों के सिगरेटें पी रहा है यार, क्या करें आदत पड़ी हुई है। जस्ट इन टाइम, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने नमाज पढ़ने के लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था ना, नेवलाइट 32, चांद देखने वाली वीडियो में वही सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। किबला डायरेक्शन इज 282 degrees। अब 282 डिग्री से हमें देखना पड़ता है कि जहाज़ का जो हेड है, जहाज़ का जो सर है, उसके हिसाब से 282 किस तरफ बनता है। जिस तरफ भी बन रहा हो उस डायरेक्शन में हम मुंह करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए हमें फिर ब्रिज पे जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज पे जायरो कंपस लगी हुई है, जायरो कंपस में हमें हमारे जहाज़ की हेडिंग, बाकी चीज़ें पता लगती हैं, और वहीं से हम ये देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने मुंह करना किस तरफ है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है जी हमारी जायरो कंपस, जायरो कंपस बता रही है कि हमारी अभी जो हेडिंग है दैट इज़ 329, किबला डायरेक्शन है 280। सो 329 सामने है, 280 थोड़ा इस तरफ बनता है,
जहाज खड़ा हुआ चाइना में, ये आपको डेक पे हमारे पब्लिक चलती हुई नज़र आ रही है टॉर्च लेके, कार्गो की डिस्चार्जिंग चल रही है, ये हमारे मैनिफोल्ड्स लगे हुए हैं। अगर कोरोना वरोना ना होता तो पब्लिक बाहर जा सकती थी, लेकिन अभी पब्लिक बाहर नहीं जा सकती। आई थिंक मुझे अब जाके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में फिर कार्गो ख़त्म हो जाएगा, 2-3 घंटे में फिर दोबारा उठना है। तो इट इज़ बेटर कि मैं फ़ौरन जाके नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ जी, वजू कर लिया, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। चलिए जी, मैं तो अभी लगाऊँ सोने, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोग कहते हैं ना, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये दिखाएं, आज सब देखें, पूरा दिन देखें। 105 या लॉयड, वंस द कार्गो इज फिनिश्ड वेक मी अप। या ओके, थैंक यू, थैंक यू, व्हेनेवर इट फिनिशेस जस्ट गिव मी अ कॉल। Completed, huh? Okay, thank you. Cargo complete ho gaya. Good morning. Assalamu alaikum. 2.5 hours. चलो ठीक है, very good, very good. ठीक है, मैं बाकी बाकी papers पूरे कर लेता हूँ, जब agent आ जाए paper work के लिए बता देना मुझे. Okay. Completion of discharging. Paper work चल रहा है. अब जब बाहर कहीं जाना पड़ता है ना, तो हमें ये सब चीज़ें पहननी पड़ती हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर वेसल। बाहर से कोई आएगा, पता नहीं किस किस्म के जरा सीन लेके आ जाए। अब आप ये देखें कि मैं इवन पेन जो है ना अपने साथ, वो मैं अपने कैरी करता हूँ, अपने कमरे में रखे हुए। रेडी नाउ, पायलट आ गया। द नेम इज डालियन, डालियन। कैप्टन साहब, वी कैन कैन वी मेक फॉर द टैक्स? Yes, my dear. I already told you to do. Sir, I am not a tryout engine. I am just waiting for pilot for the bridge. Once he comes on bridge, I will try out, sir. Yes, after the tugs are passed, after the gangway is up, only then do that. Got it, sir. Documentation ho gayi hai sari ki sari. Agent ko farig kar diya hai. Papers ho gaye hain. Alhamdulillah, discharging puri ho gayi hai. It's time to move to the next boat. अच्छा, तो जनाब डालियान से हम हो चुके हैं डिपार्ट। तो जब तक हम डालियान पोर्ट में खड़े हुए थे, तो हमारे टाइमिंग्स ऑलमोस्ट वही थे सहरी के और अफ्तार के, लेकिन अब हम डालियान पोर्ट में नहीं खड़े हुए, जहाज चलना शुरू हो गया है। का मतलब ये है कि अब इस जहाज की पोजीशन हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड के हिसाब से तब्दील हो रही है। हमारा अफ्तारी का वक्त भी तब्दील हो जाएगा और हमारा सहरी का वक्त भी तब्दील हो जाएगा। आज है 11th of May। तो अब शाम की 6:30 बजे की पोजीशन मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेकंड अफसर से कह के मुझे निकाल के दे दो, तो मुझे शाम की पोजीशन निकाल के दे दी है कि शाम को जनाब एस्टिमेटेड हमारा ये है कि जहाज इस पोजीशन पे होगा।
Now what I will do is कि इस position को अपने उस software में डाल के और मैं निकाल लूँगा time मगरिब का यानी कि sunset का time और फिर उसके बाद इसी तरह कल सुबह 3:30 और कल शाम को 6:30 की पोजिशन भी मैंने निकाल ली है अपनी स्पीड के हिसाब से। तो फिर मैं कैलकुलेट ये करूँगा कि कल सुबह हमारी सहरी कितने बजे बंद होगी और कल शाम को अफ्तार हमारी कितने बजे होगी। ये हमारी डेली की चीज़ है जो हमें करनी पड़ती है क्योंकि रोज़ाना जहाज़ की पोजिशन बदलती रहती है, हमारा सहरी का, अफ्तार का, इवन नमाजों का वक्त जो है वो चलता रहता है। तो आज हमारी अफ्तार है 6 pound पे, 1 minute का फ़र्क पड़ा है, ईशा भी 1 minute पहले हो गई है। कि ये काम मैं सेकंड ऑफिसर को ही कह सकता हूँ, आई थिंक ये मुफ्त का सवाब है, तो मैं ख़ुद क्यों ना कमाऊँ, सो आई डू इट माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़ा अच्छा जा रहा है, खुशबुएँ बड़ी अच्छी अच्छी आना शुरू हो गई हैं कमरे में, जो ऊपर एसी का फ्लोर है वो चूँकि कॉमन होता है तो नीचे गैली में से भी खुशबुएँ लेके आता रहता है। ऐसा लग रहा है कि आज उसने कोई मज़ेदार चीज़ बनाई है, लेट्स सी के क्या बनाया उसने। मेरा ख्याल है समोसे बनाए हैं। और अपनी आगे भी बुलाने के लिए कहेंगे जल्दी जल्दी आ जाए, सही कर रफ्ता नहीं कर। बॉटम लाइन ये है भाई, ओके जहाज पे काम नहीं रुकता, ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। क्यों फरो? वालेकुम अस्सलाम, तारियां शिफ्तारियां करने के लिए रेडी? बैठो बैठो बैठो, शाबाश, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। क्या क्या बनाया है जिसने? कोरमा है, ये तो दाल है, चना चाट है। हाँ मैं कह रहा था मुझे खुशबू आ रही थी कमरे में बैठे बैठे, मैंने कहा समोसे बना रहा है बरसात भाई। Oh my dear Edmund, thank you very much for the half cup of tea. Thank you. Kanda pe ek dapan. From where? From where this sweet potato came? This is Singapore, sir. From Singapore. Singapore has a third class sweet potato. Sweet potato. Best in the biscuit even. Kya nahi karte? Kya karte? Nahi kaise? Saeed Alam Khan. कितने रोजे हो गए आज? 17 हो गए। तो बेसिकली ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है इट वॉज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाना चाह रहा था, अपना ये दिखाना चाह रहा था कि हम लोग रमजान कैसे गुजार रहे हैं जहाज के ऊपर, हमारे काम कैसे चल रहे हैं। आज हमारी डिस्चार्जिंग भी मुकम्मल हुई, हम लोग डालियान पोर्ट से डिपार्ट भी हुए, भी अफ्तारी की, अफ्तारी करने के बाद बस चाय वाय पी के, तो आज जो है ना मैं अभी आराम करूँगा। लेकिन अब 7:30 हो रहे हैं शाम के, बाकी अब कल देखेंगे यार, एक दो चीज़ें बस छोटी छोटी वो करके तो बस फिर ख़त्म। तो आज मैंने आपको अपनी रूटीन दिखाई सुबह से लेकर शाम तक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे और आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं जहाज़ के ऊपर। बाकी कुछ अपनी मेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाज़ की जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट आई विल डू वट एवर आई कैन, जो कुछ मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम ज़ाहिद, अल्लाह हाफ़िज़।